हेलो नमस्कार दोस्तों, एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। क्या है ई टेंडरिंग, जिसके लिए सड़क पर उतर आए हरियाणा के सरपंच और नए सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज जो है कि पुलिस के द्वारा किया गया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा एक्चुअल में हुआ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा 2021 की बात है, एक पॉलिसी लेके आई थी जिसको कहते हैं ई टेंडरिंग पॉलिसी। ठीक है, ई टेंडरिंग जो पॉलिसी है, ये जो पंचायत पंचायत साहब की पंचायतों के अंदर जो भी रूरल वर्क होगा उसके अंदर अब काम करने के लिए जो भी वर्क प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे वो किसके तहत होंगे, आपके ई टेंडरिंग के तहत होंगे। ऐसा करके 2021 में एक रूल सरकार के द्वारा लाया गया था जो कि मैंडेटरी कर दिया था पंचायतों के ऊपर। ठीक है, अब 2021 में जो रूल लाया गया उसका प्रोटेस्ट अभी क्यों हो रहा है 2023 में, जो कि 2021 का, यानी नियर अबाउट आप कह सकते हो 2 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये आई थिंक 16 या 15 फरवरी की बात है, 15-16 फरवरी 2021 को ये वाला जो रूल है लेके आई थी सरकार। अब जाकर इसके विरोध में जो कि प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, अब ये प्रोटेस्ट सारे के सारे पंचकुला और चंडीगढ़ बॉर्डर के ऊपर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं हरियाणा के नए सरपंचों के द्वारा, और वहीं पर इनके ऊपर लाठीचार्ज जो कि किया गया है। ठीक है, जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है ई टेंडरिंग प्रोसेस हरियाणा की और क्यों 2 साल के बाद इसके ऊपर प्रोसेस जो कि किया जा रहा है, प्रोटेस्ट जो कि इसके ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, राइट नाउ सरपंचेज ऑफ द हरियाणा अलेज लाठी चार्ज बाई पुलिस, और इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है क्योंकि ये लोग ई टेंडरिंग जो प्रोसेस है उसके तहत उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कुछ जो सरपंच है उनको डिटेन भी पुलिस के द्वारा किया गया है। नाउ बट बिफोर वी बिगेन, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पर नए आए हो तो हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, देखो हुआ क्या है, ये वेनेसडे की बात है, जब हरियाणा सरपंच जो एसोसिएशन है, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन एक बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है विलेज हेड्स को, यानी कि सरपंचों को रिप्रेजेंट करने वाली एक बॉडी है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। उसके हेड ने सरकार को धमकी दी, यदि हमारी डिमांड्स को नहीं माना गया, यदि सरकार ने कोई भी पीसफुल टॉक हमारे साथ नहीं की, तो हम लोग क्या कर जाएंगे, मार्च कर जाएंगे टुवार्ड्स दिस सीएम हाउस। सीएम का जो रेजिडेंस है चंडीगढ़ के अंदर, उसकी तरफ हम लोग क्या कर जाएंगे, मार्च कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हरियाणा की जो राजधानी है क्या है, चंडीगढ़ है, और हरियाणा का सारा गवर्नेंस चंडीगढ़ से ही चलता है, वहीं पर हमारी विधानसभा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी थे, और इन्होंने बताया, सरपंच जो एसोसिएशन के हेड है उन्होंने बताया, अगर हमारी डिमांड को नहीं माना गया तो हम लोग सीएम मनोहर लाल खट्टर के हाउस की तरफ मार्च कर जाएंगे। और इन लोग वेनेसडे को बैरिकेड्स तोड़कर चंडीगढ़ के अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर के ऊपर इन्होंने धरना दे रखा था, वहां पर अपना पीसफुल ये लोग जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर बाद में जाके वेनेसडे को इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर प्रवेश कर दिया, और वहां पर बहुत सारी पुलिस को पहले से ही जो है कि डिप्लॉय कर दिया गया था सरकार के द्वारा, और सरकार और जो कि सरपंच हैं इनके बीच में, पुलिस और सरपंचों के बीच में यहाँ पे झड़प हुई है। उसके अंदर बताया जा रहा है बहुत सारे सरपंचों को इंजरी भी हुई है, कुछ को डिटेन कर लिया गया है। ठीक है, और लाठीचार्ज यहाँ पे इनके ऊपर की गई थी। तो ये सारा का सारा प्रकरण है, सारा का सारा मामला इस प्रकार से चल रहा है। जानेंगे ई टेंडरिंग क्या है, क्यों इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैंने बताया इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, और इनके हेड ने बताया कि हम लोग जो प्रोटेस्ट है पीसफुल हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने किसी प्रकार की आगजनी नहीं की है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। बस इन्होंने जो है कि बैरिकेड्स को तोड़कर चंडीगढ़ के अंदर एंट्री कर गए थे, तोड़ा भी नहीं है इन्होंने, बैरिकेड्स के जो है ना ऊपर जंप करके चंडीगढ़ में एंट्री ले ली थी। ठीक है, नाउ व्हाट इज ई टेंडरिंग, अब देखो ई टेंडरिंग एक रूल है, मैं बताता हूँ आपको, हरियाणा पंचायती राज रूल 1995, उसका एक रूल है, दैट इज रूल नंबर 134, उसके अंदर चेंजमेंट किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, क्योंकि तो इस रूल के तहत पहले क्या होता था, सरपंच हो गए यानी कि जो पंचायत के मेंबर हैं, पंचायत के मेंबर दैट इज सरपंच, पंचायत समिति एंड द जिला परिषद, ये तीनों जो भी काम करवाना होता, जो भी वर्क कार्य करवाना होगा वो अपने आप करवा लेते थे, कितने वो चाहे अमाउंट, कितने भी अमाउंट का वो कार्य होने वाला है। ठीक है, उसके लिए किसी भी टेंडर को, ये मतलब अपने मर्जी के टेंडर को, जो इनका फेवरेट सॉरी कॉन्ट्रैक्टर है, जो इनका फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये काम देके अपना काम करवा सकते थे। ठीक, सरपंच हो गए, पंचायत समिति के मेंबर हो गए, या फिर जिला परिषद हो गए। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, सरकार ने एक रूल लेके आई है, सरकार कहती है कि भैया सरपंच जो हो गए ये लोग 2 लाख तक के कार्य अपने आप करवा सकते हैं, इसके लिए इनको कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर की या फिर किसी टेंडरिंग की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार जो जिला परिषद है वहां पर ये 5 लाख की लिमिट तय की गई है। तो मोस्टली हम कह सकते हैं कि पंचायत के ऊपर एक प्रकार से नियम लागू कर दिया गया है कि 5 लाख तक के कार्य
इन लोग करवा सकते हैं, पंचायत समिति के मेंबर, पंचायत के मेंबर जो है वो करवा सकते हैं। बाकी अगर कोई कार्य 5 लाख से ऊपर तक का है, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट वर्क है मान के चलिए जिसके अंदर 5 लाख से ज्यादा रुपए लगेंगे, तो वो सारा का सारा प्रोसेस किसके थ्रू होगा, वो ई टेंडरिंग के थ्रू होगा। और उसकी जो है ना एक प्रकार से निगरानी कौन रखेगा, पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग, हरियाणा की जो पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग है उसके ऊपर सारी की सारी निगरानी इसके द्वारा रखी जाएगी। क्योंकि ये क्या है, टेक्निकल जो कि अप्रूवल ब्रांच है, एक ये मतलब जो भी टेक्निकल अप्रूवल होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा मामला है जिसके लिए सारा का सारा प्रोटेस्ट कैरी आउट किया जा रहा है। सरकार ने कहा है हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, जो भी वर्क किया जाता है डेवलपमेंट का जो वर्क होगा पंचायतों के अंदर, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने उस रूल को क्या किया था, अमेंड किया था 2021 के अंदर, और उस टाइम पे इसको मैंडेटरी भी कर दिया था, लेकिन अभी इसके ऊपर प्रोटेस्ट जारी है। नाउ आफ्टर ए डिटेल डिस्कशन इन दिस रिगार्ड ए मीटिंग चेयर बाय द सीएम मनोहर लाल खट्टर, द ई टेंडरिंग सिस्टम हैज बीन मैंडेटरी फॉर द डेवलपमेंट वर्क अबाउट 5 लाख रुपीज। ठीक है, इसको मैंडेटरी हमारे मतलब सरकार ने कर दिया था। लेकिन अगर पहले मैंने बताया, अगर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले जो पंचायती राज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना कार्य किसी भी फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर से करवा सकते थे, और ये रूल नंबर हो जाएगा 134 जिसके अंदर चेंज किया गया है। इसके तहत क्या था कि किसी कितने भी अमाउंट का कार्य है, चाहे कोई कोई भी कार्य है कितने भी अमाउंट का है, और किसी भी पर्सन से वो सारा कार्य करवा जा सकता था। ठीक है, अब सरकार का क्या कहना है, सरकार कहती है भैया हमको जो कि सेवरल कंप्लेंट्स मिली हैं, किसके रिगार्डिंग, करप्शन के रिगार्डिंग, करप्शन की बहुत सारी इसके अंदर कंप्लेंट्स आई हैं, तब जाके हम लोग इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, जो भी पंचायतों के अंदर कार्य होगा उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, उसके लिए सारा का सारा प्रोसेस, ये रूल जो है पॉलिसी लाई गई है। अब सरपंचों का क्या कहना है इसके ऊपर, ये तो सरकार का पक्ष था जो हमने जान लिया, लेकिन सरपंच जो है न्यूली इलेक्टेड उनका क्या कहना है, द विलेज हेड इज और द सरपंच सी दैट एन अटेम्प्ट टू टेक अवे पावर्स ऑफ दी पंचायत, सरपंचों का कहना है कि इससे जो हमारी पावर्स हैं उसको कर्टेल कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि 2 लाख तक का कार्य है, मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये बहुत मिनिमम अमाउंट, इससे कुछ भी ज्यादा वर्क प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, कार्य ज्यादा डेवलपमेंट का कार्य इससे नहीं हो पाएगा। दूसरा इसका एक और रेपरकेशन बताया जा रहा है, मान के चलिए कोई 10 लाख रुपए का कार्य था, ठीक है, कोई भी वर्क प्रोजेक्ट था जो कि 10 लाख में पूरा होना था, और इसका जो है ना ई टेंडरिंग मिल गई किसी केरला के व्यक्ति को, कोई केरला का कॉन्ट्रैक्टर था उसको ये सारा का सारा प्रोजेक्ट मिल गया, और उसने हरियाणा के किसी गांव में आके ये सारा प्रोजेक्ट कैरी आउट कर दिया और बना दिया, और मान के चलिए इसके अंदर कोई खामियां रहेगी, है ना, इसके अंदर खामियां रहेगी तो जो गांव के लोग हैं वो किसको पकड़ेंगे, वो तो सरपंच को पकड़ेंगे या पंचायत समिति को पकड़ेंगे, या फिर जो आपका जिला परिषद है उसके पास जाएंगे कि भैया ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर खामियां हैं और ये अच्छे ढंग से नहीं मतलब इम्प्लीमेंट हो पाया है। तो ये सारा का सारा एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इल्जाम किसके ऊपर आता है, ये सारा ब्लेम सरपंचों को या फिर पंचायत समिति के मेंबर्स को उठाना पड़ेगा, न कि केरल के इस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से रेपरकेशन इसका बताया जा रहा है, और हमारी जो पावर्स हैं यानी कि सरपंचों की पावर है उसको भी सरकार के द्वारा कर्टेल कर दिया गया है। नाउ मैंने बताया 2022 के अंदर ये जो कि चुनाव हुए थे, क्योंकि उससे पहले तो पंचायत हमारे यहाँ पे थी ही नहीं, COVID-19 के कारण बहुत लंबे समय तक एक गैप हो गया था, पंचायतों के जो होगी चुनाव नहीं हुए थे, इसीलिए उस टाइम पे सरपंच थे नहीं तो प्रोटेस्ट करने वाला कोई था नहीं। अब जब सरपंच नए बन के आए हैं और इनको पता चला है कि इस प्रकार से सरकार लेके आई है एक नई पॉलिसी, तो उसके लिए प्रोटेस्ट किए गए हैं। ठीक है, और ये सारी बातें हरियाणा सरपंच एसोसिएशन उन्होंने बताया, जो रणबीर हैं रणबीर सिंह ने बताया कि इट इज क्लियर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। अब क्योंकि तो महात्मा गांधी जी ने कहा था एक बार, आपको पता है उन्होंने कहा था हमें क्या करना है, अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले किसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, गांव का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें पावर्स को क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, है ना। सो दैट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से सरकार क्या कर रही है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रही है, क्योंकि ये जो है ना गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में पावर आ जाएगी सारे के सारे काम करवाने की, तो ये सारा का सारा मामला चल रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का स्टांस मैंने बता दिया, ये चाहते हैं कि जीरो हमारी पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड द करप्शन, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं, यानी कि इट इज ए पार्ट, इट इज इनिशिएटिव,
किस चीज का इनिशिएटिव है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स द करप्शन। हमें करप्शन नहीं चाहिए भैया, जो पंचायतों के जो काम होते थे उन्हें पहले करप्शन होता था, तो उसी को इंश्योर करने के लिए ये जो पॉलिसी लाई गई है सरकार के द्वारा, ठीक है। और मनोहर लाल खट्टर ने कहा है द ड्यूटी ऑफ द पंचायत इज टू इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट वर्क। भाई आप खड़े होकर देखो उसका स्मूथ एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी काम है एक प्रकार से प्रॉपरली वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट जो फंड को प्रोवाइड करवाना है वो काम किसका है? गवर्नमेंट का है, वो हमारा काम है, ऐसा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कहा गया है। और जो देवेंद्र सिंह बबली हैं, हरियाणा पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं देवेंद्र सिंह बबली, ये जेजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कहा है कि सारा का सारा प्रकरण अपोजिशन के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। तो अपोजिशन का इसके अंदर पूरा हाथ है, हालांकि ये पॉलिसी क्या है बिल्कुल ठीक है। तो ये मामला था भाई सारा, आपको आई थिंक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप कि यस ठीक है आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ अगर चैनल पर नया आए हो देन प्लीज चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।